रेस्टोरेंट्स में आप मेन्यू कार्ड पे पनीर की बहुत सारी वैरायटी देखते हैं। उनमें से जो एक वैरायटी है पनीर तूफानी, जो कि अक्सर जब भी कभी आपने गुजरात में विज़िट किया होगा तो रेस्टोरेंट्स और ढाबों पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसे बनाने का तरीका इतना डिफरेंट है और टेस्ट इतना लाजवाब कि इंसान उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसकी एकदम एक्यूरेट और सीक्रेट वाली रेसिपी। सबसे पहले हमने आधा कप कुक टमाटो पेस्ट लिया है। टमाटर को मैंने प्यूरी बना के ऑयल में पका लिया था और 2 टेबलस्पून इसमें कुक्ड अनियन पेस्ट डाला है। अनियन को कद्दूकस करके ऑयल में पका के मैंने इसमें डाला है करीब 2 अनियंस को। चलिए अब इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून काजू मगज का पेस्ट डाला है। काजू और जो खरबूजे के बीज होते हैं उसको मैंने उबाल लिया था पानी के अंदर। करीब 1/4 कप काजू और 1 टेबलस्पून खरबूजे के बीज और फिर उसका पेस्ट बना के ऐड किया है। चलिए इसमें 2 ग्रीन चिलीज को मैंने चॉप करके डाल दिया है और साथ में 10 मैंने करीब चॉप करके लहसुन की कलियों को ऐड किया है। 1 इंच मैंने इसमें अदरक को बारीक चॉप करके डाला है। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून ड्राई फेनुगिक लीव्स, कसूरी मेथी और 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला पाउडर ऐड किया है और 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और नमक हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है और साथ ही में हमने 1/4 टीस्पून ऑर्गेनिक फूड कलर, जो कि ऑप्शनल है सब्ज़ी में अच्छे रंग के लिए, 2 टेबलस्पून मैंने बुरादा कोकोनट का डाला है इसमें और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर अच्छे रंग के लिए, 2 इलायची डाली है हरी वाली और साथ ही में 2 लौंग भी इसमें डाल दी है और इसमें डालेंगे दालचीनी का छोटा टुकड़ा और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री का भी। 2 मैंने इसमें काली मिर्ची ऐड कर दी हैं और 1 मैंने इसके अंदर बड़ी इलायची ऐड कर दी है। चलिए अब इसमें 1/2 कप पानी भी मिला दिया है और एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबों में ग्रेवी बनती है, देखिए बहुत ही आसान स्टेप्स में हमने वो बना के तैयार कर ली। बस अनियंस और टमाटर आपको प्री कुक्ड लेने हैं, जिसे आप फ्रिज में 15 दिन कुक करके स्टोर कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने इसमें पानी थोड़ा और ऐड कर दिया है क्योंकि ये जो ग्रेवी है बहुत सारे पानी में पकती है, तब जाके सारे मसाले फूलते हैं, क्योंकि मसाले बिल्कुल कच्चे हैं जो हमने ऐड किए हैं। तो देखिए इस ग्रेवी को अब हमें बहुत अच्छे से काफ़ी देर तक पकाना। चलिए अब एक पैन के अंदर हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और साथ ही में 2 टेबलस्पून अमूल बटर, जिसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और साथ ही में इसके अंदर एक छोटा टुकड़ा डाल देंगे तेजपत्ते का और 1 चम्मच डाला है मैंने जीरा। जीरा और तेजपत्ते को भी थोड़ा सा भून लेंगे। साथ में डाला है 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 2 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची चॉप करी हुई, इनको भी अच्छे से कुक कर लेंगे। इसमें लहसुन ना थोड़ा ज़्यादा ही डलता है इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड किया है। 1 मैंने प्याज को बारीक कद्दूकस करके आप चॉप करके ऐड कर दीजिए। तो अब हम अदरक, लहसुन, मिर्ची और प्याज को एकदम हल्का सा ब्राउन होने तक कुक करेंगे। चलिए अब इसके अंदर मैंने बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है 2 टेबलस्पून और ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सूखी कसूरी मेथी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला, 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और नमक थोड़ा स्वाद अनुसार। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। जितने भी मसाले मैंने मिक्सी का पेस्ट बनाने के लिए डाले थे वो प्याज टमाटर के लिए सफिशिएंट थे और जो मैं अब कढ़ाई में डाल रही हूँ वो सारे मसाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओवरऑल सब्ज़ी के स्वाद को बैलेंस करने के लिए। नाम है पनीर तूफ़ानी तो स्वाद भी तूफ़ानी होना चाहिए और जितने भी गुजराती फ्रेंड्स हैं जब वो ये घर में बनाएंगे तो उनको बिल्कुल वही स्वाद आएगा जो वो रेस्टोरेंट और ढाबे में पनीर का इंजॉय करते हैं, पनीर तूफ़ानी का। चलिए अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टमाटर बारीक चॉप करके और देखिए जैसा कि आप देख ही रहे हैं इसमें मैंने प्याज भी दोबारा ऐड किया है, टमाटर भी दोबारा ऐड किया है। तो डेफिनेटली हमको इनके टेस्ट को भी बैलेंस करने के लिए मसाले दोबारा ऐड करने पड़ेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, इन मसालों से ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा तीखी नहीं बनने वाली है, बच्चे लोग भी आराम से इंजॉय कर सकते हैं इस सब्ज़ी को। चलिए 1/2 कप गर्म पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है जिससे कि जो मसाले हैं वो अच्छे से फूले और उनका टेस्ट डेवलप हो सब्ज़ी के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इनमें से एक भी मसाला स्किप करेंगे तो आपकी सब्ज़ी एकदम फीकी बनने वाली है और आपको वो स्वाद नहीं आएगा
जो बाज़ार जैसी सब्जियों में आता है। चलिए अब एक टेबल स्पून मैंने बेसन को पानी में अच्छे से गोल बना के डालना है, गुठली नहीं रहनी चाहिए बेसन के अंदर बिल्कुल भी। अच्छे से फेंट के मैंने बेसन के घोल को डाल दिया है। ये सब्ज़ी को एक कंसिस्टेंसी देगा, ग्रेवी को स्पेशली थिकनेस देगा। तो देखिए इसे भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। बेसन डालने के बाद मैंने 2 टेबल स्पून हॉट एंड स्वीट मैगी का टमाटो केचप डाला है। मैगी में 2 तरह के केचप आते हैं, हॉट एंड स्वीट वाला भी आता है और एक प्लेन वाला। आपको तीखा वाला डालना है इसमें। चलिए अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून शक्कर का, 2 टेबलस्पून काजू, 2 टेबलस्पून किशमिश और 1 टेबलस्पून कोकोनट का बुरादा, जो कि मैंने मिक्सी में पेस्ट बनाते वक्त भी डाला था। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही में ना हम इसमें जो हमने ग्रेवी बनाई है ना पनीर तूफानी की, वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ग्रेवी डालने के बाद बहुत देर तक हम इस ग्रेवी को पकाएंगे। जो हमने पेस्ट बनाया था ग्रेवी का, उसको फर्दर ग्रेवी में कन्वर्ट करने के लिए पानी डाल के अच्छे से पकाएंगे। तो 1 कप गर्म पानी डाल दिया। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ 1 कप पानी सफिशिएंट नहीं होगा पकाने के लिए। इस ग्रेवी को करीब 20 से 25 मिनट हमें इसे पकाना है। तो आपको अगर लगे कि पानी कम हो रहा है तो थोड़ा गर्म पानी और ऐड कर दीजिए। इतना आपको पकाना है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस कंसिस्टेंसी तक लेके आना है आपको ग्रेवी को। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमको। सारा जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है और इसे मैंने करीब 2 से 2.5 कप पानी डाल के मिनिमम आप 20 मिनट पकाइए, मैंने मैक्सिमम 30 मिनट्स पकाया। चलिए तो ये जो मास्टर ग्रेवी हमारी तैयार है पनीर तूफानी की। रेस्टोरेंट ढाबे वाले ओवरनाइट ग्रेवीज को पकाते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। सब्जियों को मिक्स मैच करके आपको ग्रेवीज के साथ 15 से 20 मिनट में सर्व कर देते हैं। अब 1/2 कप मैंने इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल दिया। आप हाथ से क्रम्बल करके पनीर को ऐड कर सकते हैं। पनीर से ना ग्रेवी में एक ग्रेनी सा टेक्स्चर आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। मसालों का जितना भी टेस्ट होता है वो अच्छे से बैलेंस हो जाता है, स्मूथ सी ग्रेवी हो जाती है। और 1 कप गर्म पानी और डाल देंगे जिससे कि जो हमने पनीर ऐड किया है प्लस जो ग्रेवी है वो आपस में अच्छे से मिक्स होके पक जाए। चलिए करीब 5 मिनट में ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। उसके बाद इसमें 4 टेबलस्पून मैंने अमूल का क्रीम डाल दिया है, कोई सा भी क्रीम ले सकते हैं आप। और क्रीम को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी होने को है, लास्ट में हम इसमें क्रीम डालते हैं। क्रीम शुरुआत में कभी ना डालें, नहीं तो ग्रेवीज जो है वो फट सकती हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा बटर और ऐड कर दिया है। बहुत ही रिच सी हम ग्रेवी बना रहे हैं, अच्छी खासी हमने इसके अंदर फैट कंटेंट ऐड किया है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, डाइट पे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप फिर ये सब्ज़ी घर में ना बनाएं। तो देखिए अच्छे से ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है और इसका स्वाद इतना गजब टेस्टी, जब आप इसे घर में बनाओगे गारंटेड कोई पहचान नहीं पाएगा कि इसे आपने घर में बनाया है। चलिए अब इसके अंदर मैजिक इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, जो कि 3 बड़े चम्मच हैं प्रोसेस्ड चीज़ के क्यूब्स को ग्रेट करके डाला है, 3 बड़े चम्मच मोज़रेला चीज़ जो पिज़्ज़ा पे लगाई जाती है, और 3 बड़े चम्मच या 4 बड़े चम्मच खोया मावा के। अगर मावा ना हो तो आप कोई बर्फ़ी ले सकते हैं या फिर आप मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर तूफानी बाकी सब्जियों से अलग होती है क्योंकि इसमें हमने चीज़ ऐड किया है। बहुत ही अलग ही लेवल पे इस ग्रेवी का टेस्ट आता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती टेस्ट को, लेकिन आप घर में ज़रूर बना के देखना। 1/2 कप गर्म पानी डाल के अब फिर से थोड़ा सा पका लेंगे। और 3 तरह की मैंने इसमें शिमला मिर्चियाँ डाली हैं, जो कि लास्ट स्टेज पर डलती हैं, जिन्हें हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। हरी, पीली और लाल शिमला मिर्ची को हमने लंबे लंबे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। यहाँ से आप रेसिपी कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, घर में बनाना आसान होगा। चलिए अब शिमला मिर्ची को ना आपको केवल हार्डली 1 मिनट पकाना है, दैट्स इट। इनफैक्ट पकाना भी नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है ग्रेवी में, वो अपने आप पक जाएगी। बिल्कुल क्रंची सी रहने देनी है। और 400 ग्राम मलाई पनीर ऐड कर दिया है। मलाई पनीर ऐड करने के बाद बस इस पर क्रीम थोड़ा सा डाल दीजिए, करीब 2 से 3 बड़े चम्मच, उसे भी हल्का सा बस मिक्स करेंगे। और सब्ज़ी का देखिए इस तरीके से आपको गार्निश करना है। थोड़ा सा क्रीम, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे ऊपर से, हल्का सा देखिए हिलाएंगे जिससे कि रोगन जो है सब्ज़ी का ऊपर आ जाए। और साथ में कच्चे टमाटर की स्लाइस काट के हम रख देंगे ऊपर से। कद्दूकस करिए थोड़े से प्रोसेस चीज़, थोड़े से पनीर से, और सब्ज़ी को गर्मा गर्म सर्व करिए। तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा, नान, मिस्सी रोटी या फिर राइस के साथ
अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, इतनी टेस्टी सब्ज़ी पनीर की। पता नहीं क्यों ये इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी बाकी पनीर की सब्ज़ियाँ पॉपुलर होती हैं, शाही पनीर, मटर पनीर। इसे भी उतना ही पॉपुलर होना चाहिए क्योंकि उन सब से टेस्ट इसका कहीं गुना ज़्यादा अच्छा होता है। और आपको सच बताऊं तो जितनी भी पनीर की सब्ज़ियाँ मैंने आज तक बनाई है, उसमें सबसे फेवरेट मेरी अब तक की ये पनीर की सब्ज़ी है। और मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी कि घर में ट्राई ज़रूर करना। इनफैक्ट वीडियो को लाइक ही तब करना जब आप घर में बना लो और टेस्ट में आपको मज़ा आ जाए। जब आप खुद कहो कि इससे बेटर सब्ज़ी नहीं हो सकती, तब आपके मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मैं इंतज़ार करूँगी आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का।